63वें गणतंत्र दिवस पर आप सभी का अभिवादन करता हूँ। हमारे देश के इतिहास में 26 जनवरी का दिन एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जब हम ऐसे आजाद भारत की स्थापना का उत्सव मनाते हैं, जो कि न्याय तथा समानता के सिद्धांतों पर आधारित गणतंत्र है। आज के दिन हम ऐसा देश प्रदान करने के लिए अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान तथा अपने राष्ट्र निर्माताओं के कार्यों की कृतज्ञता को याद करते हैं। प्यारे देशवासियों, हमारा देश एक प्राचीन सभ्यता वाला देश है। हम बहुत खुश नसीब है कि हमें मूल्यों, परंपराओं और उपदेशों की एक समृद्ध विरासत प्राप्त हुई है। अब हमें इसे ऐसा देश बनाना चाहते हैं जिसकी अर्थव्यवस्था इतनी सुदृढ़ हो कि हम तरक्की करते हुए विकसित देश बना सके। इस देश के हर नागरिक को अपना स्वयं तथा परिवार के विकास और कल्याण के साथ साथ अपने गांवों एवं शहरों का विकास करने के लिए भी प्रयास करना होगा, तभी भारत एक विकसित देश बन सकता है। भारत को विकसित देश बनाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ साथ हम सब भारतीयों की है। जहाँ भी हम कार्य कर रहे हो, चाहे वो खेती हो, उद्यम हो, कार्यालय हो, व्यवसाय हो, उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, रोजगार के अवसर बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, तभी हम विकसित देशों के पंक्तियों में जा बैठ सकते हैं। हमारा संविधान एक सजीव तथा ऊर्जावान दस्तावेज है। इसने अपना मूल स्वरूप बनाए रखते हुए भी बदलते समय के जरूरतों के अनुसार लचीलापन दिखाया है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने संविधान सभा के अपने समापन भाषण में कहा था, मेरे विचार में हमें जो सबसे पहले कार्य करना चाहिए वह यह है कि हम अपने सामाजिक तथा आर्थिक लक्ष्यों के प्राप्ति के लिए सामुदायिक तरीकों पर दृढ़ रहे। हमारी संस्थाएं भली ही त्रुटि रहित न हो, लेकिन उन्होंने बहुत ही चुनौतियों का सामना किया है। हमारी संसद ने प्रगतिशील कानून बनाए हैं, हमारी सरकार ने जनता की उन्नति तथा कल्याण के लिए योजनाएं बनाई है, हमारी न्यायपालिका की साख ऊंची है, हमारे मीडिया ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जब भी संस्थाएं मिलकर एक ही राष्ट्रीय लक्ष्य के प्राप्ति के लिए प्रयास करेंगे तो इससे सकारात्मक ऊर्जा पैदा होगी। भारत को एक विकसित देश बनाने का सपना पूरा करने के लिए उसका हर एक नागरिक वचनबद्ध है। मैं हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि इन शब्दों द्वारा राष्ट्र की अभिलाषा प्रकट करता हूँ, इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन, इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन, आइए हम सब भारत को गौरव के शिखर पर ले जाने का संकल्प ले। जय हिंद।